नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दोस्तों रक्षाबंधन 11 तारीख को और 12 तारीख को दोनों दिन पड़ रहा है, लेकिन शुक्रवार को उदिया तिथि है। उदिया तिथि में दान पुण्य के सभी कार्य संपूर्ण किए जाते हैं। दोस्तों आज का जो उपाय है ये गजेंद्र मोक्ष, इसके अंतर्गत आता है। आप लोगों में से काफी लोगों ने गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना होगा। दोस्तों गजेंद्र मोक्ष में जो गजराज थे, गजराज की यानी कि 100 पत्नियां थी और 1000 उनके पुत्र थे। तो गजराज अपने आप में एक घमंड में रहते थे कि मेरे पास में इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, मेरा स्वयं का इतना पहाड़ जैसा शरीर है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा मेरा। दोस्तों घमंड जो होती है पतन की पहली सीढ़ी होती है। अगर आज आपके पास में कुछ भी नहीं है और कल आपके पास में बहुत सारा कुछ आ जाता है, तो दोस्तों कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जो होता है ये पतन की यानी कि नीचे आने की पहली सीढ़ी होती है किसी भी चीज के लिए। आपकी जिंदगी में जो भी है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है या फिर पैसा है, इसमें कभी भी घमंड मत करना। तो उपाय बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये उपाय कैसे किया जाएगा, आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गजेंद्र जो थे ये अपने घमंड थे, पहाड़ जैसा मेरे पास शरीर है, 100 पत्नियां हैं, 1000 पुत्र हैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। इसी उसमें ये निकल चले नदी में नहाने। जब नदी में ये गए तो मगर जो होता है पानी में वो अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो गजेंद्र जब नदी में इसी उसमें गए कि मेरे पास इतना बड़ा शरीर है, कोई मेरा मगरमच्छ, इतना छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब वो नदी में उनने पैर रखा तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। इनने अपने परिवार को पुकारा, सारी हथनियां उनकी पूछ पकड़ के, पैर पकड़ के, उनको 100 की 100 हथनियां उनको खींचने लगी। 1000 उनके पुत्र थे वो भी उनको खींचने लगे। एक महीने तक उनके पुत्रों उनका साथ दिया, उसके बाद कहते हैं कि अब हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ के चले गए। उसके बाद में पत्नियों ने 6 महीने तक साथ दिया, वो भी छोड़ के चली गई, उनने भी साथ छोड़ दिया, गजराज अकेले रह गए। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देने वाले सिर्फ आपके भगवान हैं, आपके ईष्ट हैं। तो आपको दुनिया में परिवार से ज्यादा अपना ईष्ट भगवान को मान्यता देनी होगी, अपना ईष्ट बनाया। उसके बाद में गजराज ने देखा आप चारों तरफ के पास कुछ भी नहीं है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पैर जैसे जैसे मगरमच्छ पैर खींच रहा था, गजराज नदी में बीच में जाते जा रहे थे, उन्हें डर लगने लगा। और जैसे ही बीच में पहुंचे तो उन्हें कमल का पुष्प दिखाई दिया, कमल पुष्प दिखाई दिया। तो उन्हें कमल का फूल उठा करके उन्हें सीधे भगवान को याद किया, अपने इष्ट भगवान को याद किया। भगवान खुद नंगे पैर दौड़े दौड़े चले आए, क्योंकि उनके ईष्ट थे। जब भी आप परेशानी में होंगे तो आपके ईष्ट भगवान ही आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर भी ये बोलता है जब पेशेंट को नहीं बचा पाता है तो सब भगवान के ऊपर छोड़ देता है। तो सबसे ज्यादा अपने ईष्ट पे, भगवान पे भरोसा करिए। और आपको जो पहली राखी है वो किसको बांधनी है ये भी मैं आपको बताता हूं। हनुमान जी जो है कलयुग में जागृत हैं, भाई भी हैं, दादा भी हैं। आप जिस रूप में उनको देख लें, पिता हैं, जिस रूप में आप उन्हें देख लें। और हनुमान जी ऐसे हैं दोस्तों, अगर उनको किसी रूप में भी अपने माता पिता रूप में, दादा रूप में, भाई रूप में उनको एक बार पुकार लिया तो निश्चित रूप से वो आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि हनुमान जी की सारी शक्तियों से आप खुद वाकिफ हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। राम जी के सारे कार्य उन्हीं ने संवारे हैं।
रक्षा सूत्र यदि दोस्तों आप बांध रहे हैं, ये रक्षा सूत्र कहलाता है राखी। तो आपने किसी को भी, अपने भाइयों को किसी को भी राखी बांधने से पहले सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहां पर जाकर के आपको सबसे पहले हनुमान जी को राखी बांधनी है और वहां उनसे वचन लेना है कि जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको पुकारेंगे। ये काम महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही राखी बांधनी है और उनसे वचन लेना है। आपको बोलना है कि मुझे वचन दीजिए कि जब भी जिस कार्य के लिए भी हम आपको पुकारेंगे आपको आना ही पड़ेगा। जैसे अपने राम जी के कार्य सवार रहे हैं वैसे मेरे कार्य भी आपको सवारना पड़ेगा, ये बोल देना है उनको और उनके चरणों में जय श्री राम बोल दीजिए। बस इतना उपाय करना है आपको, फिर देखेंगे आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। उपाय बहुत ही कारगर है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। सारे कार्य छोड़ के सबसे पहले इस उपाय को आप रक्षाबंधन के दिन करें, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में सिद्ध हैं, उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हैं। जिस रूप में आप उन्हें बुलाएंगे उस रूप में वो आपके पास आ जाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपको मदद की जरूरत पड़ी है, सीधे उनको बुलाइए, क्योंकि उनसे आपने वचन दिया है कि जब भी आप उन्हें पुकारेंगे तो आपको रक्षा करने आएंगे, क्योंकि आपने रक्षा सूत्र उनको बांधा है। तो जरूर करिए दोस्तों रक्षाबंधन के दिन इस उपाय को आप करिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कभी परेशानी आएगी ही नहीं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की अध्याय की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।